नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं तनवीर खान और आइए नजर डालते हैं अभी की कुछ खास हेडलाइंस पर। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर है और गत 3 दिनों से लगातार 30,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और संक्रमितों का आंकड़ा अब तक 10,38,000 से अधिक हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वदेश निर्मित कोरोना वायरस COVID-19 की संभावित वैक्सीन को वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण शुरू होने पर कहा है कि मई से वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को दक्षिणी कश्मीर के हिमालय में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के भीतर चल रही उठापटक के बीच नेताओं के फोन टैप किए जाने के खुलासे पर कांग्रेस नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया कि राज्य में फोन टैपिंग संविधान सम्मत प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। भाजपा ने फोन टैपिंग की CBI से जांच कराने की मांग की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश, दुनिया और मानवता को बचाने के लिए भारत की मिलकर रहने और साथ काम करने की महान परंपरा को समृद्ध करने की अपील की है।